नमस्कार मैं हूँ मन्नत और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को भी ख़त्म किया था लेकिन अभी भी कुछ सामाजिक बुराइयां है और उनमें से एक है बेटियों को कोख में ही मार देना तो हमारी दो बहनें पूनम आर्य और प्रवेश आर्य इसके खिलाफ एक मुहिम चला रही है तो चलिए उनसे ही पूछते हैं ये मुहिम क्या है आपका नाम पूनम आर्य ठीक है तो आप ये क्या मुहिम अभी चला रही है और आप ये कब से चला रही हैं हमारी जो मुहिम है बेटा मन्नत में सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप जो है इतना अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत अच्छा ये सेंसिटिव जो है मुद्दा है हमारे लिए हम जो है पिछले पंद्रह साल से बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं क्योंकि 2001 में जब हमारी जनगणना हुई थी तो उसमें भारत का जो सेक्स रेशो था बहुत ही डाउन था जीरो से सिक्स इयर्स की जो लड़कियां थी साढ़े तीन करोड़ लड़कियां जो है वो कम थी तो उसमें जब उनकी खोज की गई कि इतनी लड़कियां कहाँ गई क्योंकि हमारी जो नेचर है वो इतनी ज़्यादा इंबैलेंस्ड नहीं करती किसी भी चीज़ को बैलेंस्ड करके रखती है तो फिर क्या हुआ तो तब जब इसके बारे में खोज की गई तो पता चला कि ये जो साढ़े तीन करोड़ लड़कियां हैं जो नहीं है तो उनको मिसिंग गर्ल का नाम दिया तो ये कहा ये कहाँ मिस हुई हैं तो वो मिस हुई जैसे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे जाकर के जब बच्ची बच्चा जो है तीन महीने का होता है माँ के पेट में होता है तो जो है टेस्ट करवाया जाता है और जब टेस्ट करवाया जाता है ये होता है कि लड़की है कि लड़का है क्योंकि जब बच्चा तीन महीने का होता है तो उसके सारे जो अंग हैं वो बन जाते हैं तो फिर तब पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की तो लड़की होती है तो उसको जो पेट में ही मरवा देते हैं उसको एबोर्शन करवा देते हैं लड़का है तो उसको रख लेते थे तो ऐसे जो है धीरे धीरे करके जो साढ़े तीन करोड़ लड़कियां हमारे भारतवर्ष में मारी गई और उस समय जो है बहुत भयावह स्थिति हो गई समाज की और देखा क्योंकि उस समय पंजाब का सेक्स रेशो सबसे डाउन था सबसे ज़्यादा लड़कियां पंजाब में मारी जा रही थी और हमारे जो एक्सपर्ट्स थे जो ये मतलब डाटा एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही लड़कियों को इसी स्पीड से मारा गया तो अगले पचास सालों में क्या होगा कि एक लड़के होंगे और केवल पचास लड़कियाँ बचेंगी तो उस समय हमारी जो स्थिति होगी समाज की क्या होगी और फिर दूसरा ये भी है कि आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी कहाँ है बच्चे की माँ की कोख है और माँ की कोख जो है उस माँ ने ही कतलगा बना दिया उसको बिल्कुल जो है कब्रिस्तान बना दिया कि वहाँ तक भी डॉक्टर के हथियार पहुँच रहे हैं तो किसके कारण कहीं ना कहीं माँ जो है वो बच्चे को नहीं चाह रही तो उस बात को लेकर के इतनी लड़कियां मारी जा रही हैं तो उसमें क्या था कानून भी बना दिया नाइन्टी नाइन्टी फोर में और 1996 नाइन्टी सिक्स में उसको लागू भी कर दिया परंतु फिर भी ये जो आ, समस्या थी वो इतनी स्पीड से बढ़ रही थी तो फिर और कानून भी है सरकार भी सब कुछ है परंतु क्या था हमने ये देखा कि जब तक हम जन जागरण नहीं करेंगे लोगों को जगाएंगे नहीं लोगों को समझाएंगे नहीं उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से हम जो है निजात नहीं पा सकते तो तब ये जो समस्या थी हमारे सामने समाज की उसको लेकर के फिर हमने लगातार लगातार ये काम शुरू किया तो क्या आपको लगता है कि जो लड़का है और जो लड़की है आपको लगता है कि जो लड़कियां हैं वो ये काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि जो लड़कियां हैं वो ये काम नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम जो काम करते हैं ना हम हमारे को भगवान ने जो है एक चीज़ बराबर दी है लड़कों को भी लड़कियों को भी वो है दिमाग बुद्धि कि और जितने भी प्राणी हैं चाहे पशु हैं पक्षी हैं उनसे हमारे को बेटर बनाया है किस के आधार पे किस बेस पे बुद्धि के आधार पे बुद्धि है हमारे पास तो वो लड़की के अंदर भी इतनी है और लड़के के अंदर भी इतनी है तो बुद्धि के बेस पे हम काम करते हैं तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो कार्य लड़का कर सकता और लड़की नहीं कर सकती दोनों बराबर कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लोगों की सोच है लोगों पहले की ये परम्पराएँ रही हैं कि लड़कियों को पहले पढ़ाया नहीं जाता था लिखाया नहीं जाता उनको घर में ही रखा जाता था पशुओं जैसी उनकी लाइफ थी तो अब आप ये देखो ना जिसके साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा उनको सीखने को कुछ मिलेगा नहीं उनको एजुकेशन नहीं दिलवाई जाएगी अब बच्चा है बच्चा तो एजुकेशन से ही तो सीखता है सारी बात अगर एजुकेशन नहीं होगी तो फिर पशुओं जैसा हो जाता है तो यही हालत जो है वो हमारी महिलाओं की थी लड़कियों की हुई कि वो फिर अंदर से जो है वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगी और फिर समाज जो है वो उनको दबाता था कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती और आज देखो लड़कियां सब पढ़ रही हैं लिख रही हैं माँ बाप उनको इतना अच्छा हेल्दी माहौल दे रहे हैं कोई फ़र्क नहीं है तो लड़कियां कितनी आगे बढ़ रही हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं है ना लड़के में ना लड़की में दोनों बराबर हैं ठीक है धन्यवाद आपने बहुत अच्छे आंसर दिए और मेरे को भी अभी बहुत सारी चीज़ों का पता चला तो आपका नाम मेरा नाम प्रवेश आर्या है ठीक है तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके लाइक माइंड में ये ये आइडिया कैसे आया इस मूवमेंट का कि आपको ये स्टार्ट करनी चाहिए आ, मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपके मन में इतनी छोटी बेटी मन्नत के मन में किस प्रकार से ये जगह कि मुझे भी ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए मैं आपको बधाई देती हूँ और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जिस बच्ची के इस उम्र में ये विचार हैं तो ज़रूर वो जीवन में आगे बढ़ेगी और कुछ करके दिखाएगी तो आ, अब आप का जवाब ये है कि हमारे मन में भी इस तरह उठा कि जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि महर्षि दयानंद का जो जीवन था वो समाज की बुराइयों को समाप्त करने में ही ज़्यादा लगा तो हम महर्षि दयानंद को अपना आदर्श मानते हैं उनको अपना आइडियल मानते हैं तो अगर जिसको आइडियल माने जो नो, जो उन्होंने काम किए तो इसी प्रकार के काम हमें करने चाहिए कि इस समय समाज की क्या सबसे बड़ी समस्या हो सकती है हमने इसको लिया और इस मुद्दे के ऊपर काम किया तो आप लोगों को कैसे समझाती हैं कैसे उनके लाइक दिमाग को लाइक चेंज करने में आप हेल्प करते हैं जैसे आप सोशल रिफॉर्मर ही हैं मेरे लिए तो कि आप जैसे समाज को चेंज कर रही हैं तो आप कैसे उनको बता इसके लिए बहन हम जो है ना जैसे सबके बीच में गए तो दो चार बातें जो सबके जो अंदर से निकल के आई तो थोड़ा सा हमने उनको पर समझाने की कोशिश की जैसे उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि क्यों आप लड़कियों को पेट में मरवा रहे हैं तो वो कहते हैं कि आ, हम इसलिए क्योंकि अगर लड़की लड़कियाँ होती रहीं तो हमारा वंश कैसे चलेगा सबसे बड़ी समस्या सामने यही आती थी कि वंश कैसे चलेगा एक मा, ऐसी मानसिकता बना रखी है लोगों की कि लड़का जो होता है ना वही वंश चलाता है लड़कियों से वंश नहीं चलता लेकिन हमने उनको धीरे धीरे उनकी उनका माइंड वास किया कि देखो मंच चलने का मतलब होता है नाम चलना और नाम किससे चलेगा नाम उससे चलेगा जिन्होंने जीवन में अच्छे काम कर दिए चाहे वो लड़की करे चाहे लड़का करे अब कितने सारे हमारे सामने उदाहरण हैं कि जिनको लड़की लड़कियां थी और उन्होंने अपने जीवन में अच्छा काम किया जैसे कि मैं आपके सामने भी बता दू आपको भी बता दू कि चौधरी छोटू राम उनको दो बेटियाँ बेटियाँ थी उन्होंने अपने जीवन में इतना अच्छा काम कर दिया कि उनको ज़रूरत ही नहीं कि कोई लड़का उनका वंश चलाएगा या कोई लड़की उनका वंश चलाएगा या तो अपने खुद के अंदर हिम्मत हो या फिर लड़कियों को भी ऐसा हेल्दी माहौल दे कि वो ही आपका नाम रोशन कर देंगी जिसका नाम चल गया उसी का वंश चल गया तो को बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गई ये बात सबसे बड़ी जो सामने निकल के आती थी ये हमने उनका माइंड वास किया और दूसरा वो कहते थे कि जैसे एक हमारी अवधारणा बनी हुई कि लड़के जो नो पिंड दान करते और लड़कियां नहीं कर सकती तो ये हमने क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं हमने कहा बिल्कुल पाखंड की बातें हैं कोई पिंड दान करने से कोई स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलते ये हम गारंटी के साथ कहते हैं शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिख रखा कि अगर लड़का पिंड दान करेगा तो जो है स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे और दूसरी बात जहां सुरक्षा की बात है अब ये कहते हैं कि अगर लड़की लड़कियां होंगी तो उनका रखवाली भी चाहिए उनके लिए उनके लिए जो है सुरक्षा कैसे होगी तो अब एक बात देखो Uh, कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जिससे हम सुरक्षा मांग रहे हैं ना खतरा भी उसी से ही है कि लड़कियों को खतरा किससे है किससे खतरा है लड़कियों को बताओ कोई जब वो गली से निकलती है तो गाय गाय भैंस कोई सांड इनसे तो खतरा है तो होता नहीं इतना वो तो खतरा किससे तो लड़कों से ही खतरा है क्यों ना हम लड़कों को भी ऐसी जो है संस्कार बढ़िया दें और लड़कियों को भी मतलब ऐसी उनको बनाएं कि उनको सुरक्षा की इस प्रकार की जरूरत ही ना पड़े उनको अगर ऐसे ऐसे कर देंगे तो तो ये थोड़ा सा हमने थोड़ा सा उनका माइंड चेंज किया इस प्रकार से तो हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा हुआ है क्योंकि ऐसे ये कहते हैं कि शरीर की जो बीमारी होती है ना वो जल्दी ठीक हो जाती है लेकिन मन की जो बीमारी होती है ना वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होती है और ये जो है ना सामाजिक समस्या होने के साथ साथ एक मानसिक सम... बीमारी भी है ये कि ऐसी ऐसी मन में विचार भर रखे हैं लड़का होगा तो ये हो जाएगा लड़का होगा तो वो हो जाएगा लड़कियाँ होंगी तो कुछ नहीं होगा तो धीरे धीरे लोगों का जो है मानसिक जो बीमारी है उससे निकल रहे हैं धीरे धीरे ही होगा इसमें तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद आपने सबको इतनी सीख दी सबका अपने दिमाग फ्रेश कर दिया और मेरा भी आपने आपने इतनी सीख मुझे भी दी है मुझे भी नहीं पता था इतनी चीज़ों के बारे में तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद और जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारी बहने पूनम आर्य और परवेश आर्य ने कि हमें कितनी सीख दी और आप भी अपनी सोच को बदलो और बेटी बचाओ तो इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बहुत